अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आपके मोबाइल फ़ोन की, जिसमें आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन को कहीं भी रख देते हैं और रखने के बाद अगर आप भूल जाते हैं कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन को कहाँ पर रखा है, और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढने लग जाते हैं तो आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊँगा जिसको यूज़ करने के लिए दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को कहीं भी रख देते हैं, रखने के बाद अगर आप भूल जाते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन को कहाँ पे रखा है, तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन को ढूंढने के लिए आपने सिर्फ एक सीटी मारनी है। उसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो यहाँ पे खुद ब खुद बोलने लग पड़ेगा और आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसे आपने ये सब कुछ करना है, तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में, जिसको यूज़ करने के बाद अगर आपका मोबाइल फ़ोन कहीं पड़ा हुआ है, अगर आप भूल चुके हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन को कहाँ पे रखा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसको यहाँ पर मैंने लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपको नहीं मिल रहा तो आपने सिर्फ एक सीटी मारनी है, उसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो यहाँ पर बोलने लग पड़ेगा और आपको बहुत ही आसानी से आपका मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ सीटी मारी है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो यहाँ पे बोलने लग पड़ेगा। तो आप इसी तरह से अगर आपका जो मोबाइल फ़ोन है किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है, आपको नहीं मिल रहा, तो आपने सिर्फ एक सीटी मारनी है और उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की ट्रिक को यूज़ करना चाहते हैं, सेटिंग को ऑन करना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं इसे एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों आपको इस सब्सक्रिप्शन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने उस लिंक पे जाके सब्सक्रिप्शन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस सब्सक्रिप्शन को इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने भी इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक बटन मिलता है, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी, तो यहाँ पे नीचे एक बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने दोबारा से फिर से नेक्स्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों फिर से नीचे एक और बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके इस एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है फ्लैश लाइट का, दोस्तों फ्लैश लाइट के नीचे एक बटन मिलता है जो ऑफ हुआ है। दोस्तों आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप जब भी कहीं मोबाइल फ़ोन को रख देते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक लगा के अगर आप सीटी मारेंगे, तो आपका मोबाइल फ़ोन का जो रिंग टून होगा वो भी यहाँ पे बजेगा, और उसके साथ तो यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होगी वो भी यहाँ पे ऑन ऑफ होने लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई सेटिंग्स मिलती हैं, जो आप अगर सेटिंग करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक रिंग टून चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, अगर आप रिंग टून को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिंग टून को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और भी सेटिंग्स मिलती हैं, जिनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, अगर आप डार्क मोड में चेंज करना चाहते हैं तो आपने डार्क मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपकी जो मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पर डार्क मोड में चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं उन तमाम सेटिंग्स को यहाँ पर कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने होम पेज पर आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, एक बड़ा सारा बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ करने के लिए कहेगा, तो आपने अलाउ पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो रेड कलर का बटन होगा वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप दोस्तों ने इस तरीके से इस एप्लीकेशन की सेटिंग करनी है, और उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन को कहीं भी रख देना है। जैसे यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक लगाता हूँ, लॉक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सीटी मारता हूँ, सीटी मारने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा वो यहाँ पर बजने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरा मोबाइल
मोबाइल फ़ोन कहाँ पड़ा हुआ है। और इसके साथ दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होगी वो भी यहाँ पे ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को अगर कहीं भी रख के भूल जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस ट्रिक को यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतनी सा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और वीडियो के मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो आपने कमेंट लाजमी करना है। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।